और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है उसे वो पूरा करें। जब जन घोषणा पत्र बनाया था तो उन्होंने खुद बोला था कि हम 10 दिन के अंदर में आपको नियमितीकरण करेंगे। हम महिलाएं भी अपने पुरुष भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम रायपुर धरना स्थल जो है धरना स्थल के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ संयुक्त कर्मचारी संघ का धरना चल रहा है और घेराव के लिए जा रहे थे। क्या था हम लोग छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे दो दिवसीय 36 घंटे का 36 कर्मचारी हमारे छत्तीसगढ़ में भूख हड़ताल में आमरण अनशन में थे। किसानों का है और अगले वर्ष जो है कर्मचारियों को होगा। हमारे अनियमित कर्मचारी पूरे 54 विभाग में कार्यरत हैं, तो हम तो बात 36 घंटे का किए हैं, आगामी समय में हम 360 दिन का हड़ताल करेंगे। बजट बताया था कि पैसा कहां से आएगी, आज जब कर्मचारी जब विधायक का वेतन बढ़ना था तो उसके लिए कोई अपोस नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि धरने में सिर्फ पुरुष हैं, महिलाएं भी हैं। मैडम है, हाँ मैडम, आप लोग भी बढ़ चढ़ के महिला लोग हिस्सा ले रही, क्या है जी? हम महिलाएं भी अपने पुरुष भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में शामिल है, क्योंकि हम भी अपने घर के अलावा ऑफिस में भी कार्यरत हैं और अनियमित हैं, और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है उसे वो पूरा करें और हम सभी नियमित हों। कितनी महिला हैं इस आंदोलन में आप लोग, था तो कितनी महिला कर्मचारी हैं, ऐसा अंदाजन? अंदाजन होंगी 20,000 करीब होंगी पूरे प्रदेश में। चलिए, हमने शर्मा मैडम से बात की और इस आंदोलन में महिला और पुरुष दोनों हैं, देखते हैं इसमें आगे आगे होता है क्या। जोकर न्यूज़ से देवाशीष, रायपुर छत्तीसगढ़। हम रायपुर धरना स्थल जो है धरना स्थल के नाम से प्रसिद्ध जगह मानी जाती है, यहाँ संयुक्त कर्मचारी संघ का धरना चल रहा है और ये कोरोना योद्धा के रूप में काफ़ी यहाँ पे काम किए हैं, इनका पूरा जो संघ है। बताइए क्या है मामला, क्या है और हम लोग घेराव के लिए जा रहे थे, क्या था? हम लोग छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे दो दिवसीय 36 घंटे का 36 कर्मचारी हमारे छत्तीसगढ़ में भूख हड़ताल में आमरण अनशन में थे। तीन मुद्दों पे विशेष करके, चूँकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जब 2018 में विपक्ष में था तो उन्होंने नियमितीकरण का वादा किया था और नियमितीकरण के वादा के साथ ही नहीं उन्होंने घोषणा पत्र में यह नाम दिया था, और उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमारे 14 फरवरी 2019 को हमारे ही मंच में आके यह कहा था कि यह वर्ष जो है किसानों का है और अगले वर्ष जो है कर्मचारियों को होगा, परंतु आज 30 माह हो गया और सरकार ने 10 दिन में हमें नियमित करने का वादा किया था, आज 1000 दिन हो गए, उसके बाद भी हमारी कोई सुध नहीं ली जा रही है और हमारे साथियों की जो वेतन वृद्धि है, कोरोना काल में बहुत सारे काम किए उसमें लोगों की कई मौत हुई और छटनी होती जा रही है। सीधी क्या अभी कोरोना काल में आपके कर्मचारी किस किस काम में वो रहे, जुड़े रहे? हमारे अनियमित कर्मचारी पूरे 54 विभाग में कार्यरत हैं और मुख्यतः चाहे वो कोरोना काल में हमारे NHM के साथी हो, चाहे नरेगा के हो जिन्होंने लोगों को रोजगार दिया, और ऐसे चाहे नगर निगम के लोग, ऐसे तमाम साथी हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने पूरा साथ दिया है, और कई लोग ऐसे साथी जो इस कोरोना काल में मौत शहीद हो गए हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी आज चले जा रहे हैं हमारे नियमित कर्मचारी साथी। आज आप लोग जा रहे थे मुख्यमंत्री के घेराव के लिए जा रहे थे, तो क्या हुआ? आज हमारे पूरे दूसरा दिन था और मुख्यमंत्री निवास घेराव का आह्वान था, हम वहाँ से प्रेम मैदान तक के गए थे और हमारी एक मांग थी जो हमें नियमितीकरण किया जाए, हमें डेलीगेशन में बुलाया जाए, हमारी मांगों को सुना जाए, और हमने माननीय मुख्यमंत्री तक के संयुक्त कलेक्टर के माध्यम से अपनी मांग को वहां तक पहुंचा दी है, और आशा और विश्वास है कि हम जल्द ही जल्द हम उनको बात करने के लिए बुलाएंगे, और अगर हम कुछ सकारात्मक निर्णय नहीं होगा तो हम तो आज 36 घंटे का किए हैं, आगामी समय में हम 360 दिन का हड़ताल करेंगे। नाम बताइए। टीकम चंद कौशिक, अनियमित कर्मचारी संगठन संगठन मंत्री। नहीं, सरकार को विगत हम लोगों ने 2 सालों में कई बार मिलने के लिए प्रतिवेदन दिए हैं, गुहार लगाए हैं, परंतु ऐसा हमें कोई सकारात्मक निर्णय नहीं दिखा जिसके नाम से हम विवश होकर के आज हम 33 माह बाद हड़ताल पे आए हैं, और ये हमारी जंग शुरुआत है, आगामी भविष्य में। आपका क्या कहना है किस मामले में? इसी मामले में
जब जन घोषणा पत्र बनाया था तो उन्होंने खुद बोला था कि हम 10 दिन के अंदर में आपको नियमितीकरण करेंगे, बजट बताया था कि पैसा कहाँ से आएगी। आज जब कर्मचारी अपने नियमितीकरण की बात करती है तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। जब आप मैनोफेस्टो बना रहे थे उस समय आप आंकड़ा पेश कर रहे थे, और आज जब कर्मचारी बोल रहे अपनी वेतन एक ही समय में बढ़ा लिए, जब विधायक का वेतन बढ़ना था तो उसके लिए कोई अपोस नहीं हुआ, तुरंत एक ही दिन में पूरा विपक्ष भी उनका सहयोग दिया, लेकिन जब कर्मचारी मांग रही है तो उनको आंख दिखाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो जन घोषणा पत्र में जो वादा किया है वो जल्द से जल्द पूरा करना है। हाँ, नियमितीकरण जो हमारे नियमितीकरण है 4200 बेसिक है, तो 4200 बेसिक के हिसाब से जो हमको मिले, 60% मिलता है संविदा वाले को। टेकलाल पाटले, गौरेला पेंडा मरवाही, जिला अध्यक्ष। चलिए, हम अभी 54 जो विभिन्न टाइप के कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं उसके लिए हम इनसे बात कर रहे थे, और देखते हैं ये आंदोलन कहां तक जाता है और इसका प्रभाव, जैसे एक पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, तो छत्तीसगढ़ में भी एक आंदोलन चल रहा है हम बोल सकते हैं। देवाशीष जोकर, न्यूज़ से रायपुर, छत्तीसगढ़।